अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आपको अंदाज़ा हो चुका है कि हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर काम कर रहे हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो इंट्रोड्यूसिंग कॉलम्स है 8.4.6। इससे पहले हमने 8.4.5 पर बात की थी, हमने फॉर्मेटिंग द पैराग्राफ और फॉर्मेटिंग द पेज पर बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं कॉलम कैसे, वर्ड के अंदर कॉलम का इस्तेमाल कैसे होता है और कॉलम का क्या बेनिफिट्स हैं और ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं। यू मे नीड टू रिप्रेजेंट द टेक्स्ट इन कॉलम विद इन योर डॉक्यूमेंट्स के अंदर। हम कॉलम भी बना सकते हैं, सो यू नहीं कि एक ही लाइन में हम लिखते चले जाएं, हम उनके दो तीन कॉलम भी बना सकते हैं। आपको पता है न्यूज़पेपर के अंदर कॉलम में काम होता है। जो न्यूज़पेपर गौर से देखें तो न्यूज़पेपर के अंदर एक ही पेज पर सारा कुछ नहीं होता बल्कि डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, बल्कि 3, 4, 5, 6 कॉलम भी आपको नज़र आएंगे न्यूज़पेपर के अंदर। ठीक है, तभी तो सारी जो खबरें हैं उसको कवर किया जाता है। तो इसके अंदर ये ऑप्शन हमें वर्ड में मिलती है कि हम इसके कॉलम भी बना सकते हैं। कॉलम्स अ वेरी इफेक्टिव फॉर्मेट है सर्टेन टाइप्स ऑफ द डॉक्यूमेंट का। प्रेजेंट टेक्स्ट इज कॉलम, प्रेजेंटिंग टेक्स्ट इन कॉलम इज ए पावरफुल फीचर ऑफ एमएस वर्ड। बहुत अहम फीचर है। ठीक है जी, इट इज़ वेरी इजी टू मेक, आसान है बनाना। यू कैन मेक 2, 3 और मोर कॉलम, आप इससे ज़्यादा कॉलम बना सकते हैं, जस्ट आपको ऑप्शन को क्लिक करना है। अब कॉलम फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर उसी तरह आप जाएंगे और उसके ऊपर कॉलम मिलेगा आपको। फॉर्मेटिंग टूल बार मैं आपको लिख देता हूँ, फॉर्मेटिंग के अंदर आप जब जाते हैं टैब के अंदर, फॉर्मेटिंग टैब के अंदर ऑन कर लेते हैं तो उसके नीचे आपको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। उसके अंदर आपको एक कॉलम मिलेगा कि कॉलम्स का फीचर भी मिलेगा, एसएस की शक्ल बनी होगी। इसको जब ऑन करते हैं तो आपके जो पेज के ऊपर उसका इफेक्ट शुरू हो जाता है। अब आप बताएं, आपने पेज आपने लिखा हुआ है, आपने इसके स्टार्ट ये भी आपने शुरू में काम करना है। जब आप बनाने लगेंगे तो उस वक्त आपने सेट करना है कि आपने 2 कॉलम पेज बनाना है या आपने 3 कॉलम पेज बनाना है या आपने 4 कॉलम पेज बनाना है। तो जो आप यहाँ ऑप्शन ऑन हो जाएगी, आपके पास बहुत सारी ऑप्शन आ जाएगी, 2 कॉलम की भी होगी, 2 कॉलम की होगी, 3 कॉलम की होगी, 4 की, 5 की, 6 की, जो आप ऑप्शन ऑन कर देंगे वो ऑप्शन यहाँ पर आपका पेज 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। अब जो भी काम करेंगे पहले यहाँ लिखा जाएगा, फिर नेक्स्ट यहाँ लिखा जाएगा, फिर यहाँ लिखा जाएगा। जी, द टू प्लेस द टेक्स्ट इन कॉलम सेलेक्ट फॉर्मेट कॉलम फ्रॉम द मेन्यू बार। द कॉलम डायलॉग बॉक्स अलाउ यू टू चूज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉलम, सेलेक्ट द नंबर एंड द विड्थ ऑफ द कॉलम। आपको यहाँ पर नंबर कितने कॉलम चाहिए, उसका साइज क्या चाहिए, सब आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जब सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास ये विंडो भी नज़र आ रही है, बुक में दिखाया गया हुआ है कि वो 2 कॉलम का ऑप्शन को ऑन करनी है, 3 कॉलम वाली भी है और छोटा और बड़ा कॉलम, एक छोटा करना चाह रहे हैं, एक बड़ा करना चाह रहे हैं, एक छोटा करना चाह रहे हैं, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास जब कॉलम का विंडो खुलेगी फॉर्मेटिंग टूल बार से, आप क्लिक करेंगे कॉलम को, वहाँ पे विंडो खुलेगी, उसके अंदर ऑप्शंस आएंगी, आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और वहाँ आपके पेज की सेटिंग उसके मुताबिक हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि आपको स्पेसिंग भी दिखाई गई है आपस में और विथ भी दिखाई गई है। एंटर द विथ ऑफ द ईच कॉलम की विथ वो 2.75 सेट की गई है और उसकी जो स्पेस है बिटवीन द अमाउंट ऑफ द स्पेस बिटवीन द कॉलम वो क्या है 0.5, वो भी सेट हुई हुई है। तो जो आपने ऑप्शन चेंज करनी है, और एंटर द नंबर ऑफ द कॉलम 2 है तो ऊपर दिखा 2, 3 करना है तो 3 कर लीजिए। ऊपर डिज़ाइन आपको ऊपर से चूज, पहले डिज़ाइन चूज़ करें, फिर नंबर ऑफ कॉलम चूज़ करें, फिर उनकी स्पेसेस को चूज़ करें। ये 3 ऑप्शन आपको दी गई हैं। उसके बाद इसको इक्वल कॉलम विथ रखना चाहते हैं तो वो आप एक बटन दबा दें, वो टैग है उसको दबा दें तो सब इक्वल हो जाएंगे। होल लगाने पे अप्लाई करना है या खास, वो भी आप नीचे ऑप्शन दी हुई है उसको भी क्लिक कर सकते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक था हमारा, आगे चलते हैं। इंट्रोड्यूसिंग टेबल्स, इसी तरीके से टेबल अपने पैराग्राफ के अंदर आप काम करते हुए अपने पेज के ऊपर टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल इंसर्शन कैसे की जाती, जी नेक्स्ट है आपका इंट्रोड्यूसिंग टेबल्स। इंट्रोड्यूसिंग टेबल्स, आप अपने काम में अपने टेक्स्ट के साथ टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। कोई वैल्यू जो कि आप टेबल फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो आप शो कर सकते हैं। यहाँ पर मिसाल के आप पैराग्राफ लिख रहे थे, आपने अपना काम लिख दिया, अब हमने इसमें बताना है कि हम टेबल के जरिए से कुछ वैल्यूज को शो करवाना है। तो ये टेबल जो है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5x5 का टेबल है। तो आप क्या करेंगे, उसी से फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर जाएंगे, वहाँ से आप इंसर्ट में टेबल को क्लिक करेंगे। टेबल को क्लिक करने के बाद आपके पास टेबल की ऑप्शन आ जाएंगी कि क्या साइज़ है, वो भी पेज आपके सामने खुला हुआ है बुक के अंदर।
कि कितना नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए। आप कहते जी मुझे 5/2 चाहिए, तो 5/2 का टेबल बन जाएगा। अगर आप कहते हैं 5/5 तो 5/5 का टेबल बन जाएगा। ये स्टॉप टू यू कि आप कैसा काम करना चाहते हैं। इसको देख लेते हैं, आसान है। टेबल्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा। अब उधर टेबल्स हम इसलिए बताते हैं कि हमें अपने टेक्स्ट के साथ कोई इंफॉर्मेशन देनी है डेटा की। जैसे कि मिसाल आप पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में भी देखते हैं, और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के अंदर भी ये होता है, और अब स्टैटिस्टिक के अंदर भी। साथ साथ हमारा टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन आ रही थी, साथ साथ टेबल पे हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की फॉर्म में दिखाई जा रही होती है। टेबल्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा। मोस्ट ऑफ द वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड यू फीचर टू क्रिएट टेबल्स इन जस्ट फ्यू स्टेप्स। द साइज ऑफ टेबल इज लिमिटेड होता है, पेज के ऊपर आप इसे कर सकते हैं लिमिटेड पेज। छोटा सा टेबल भी बना सकते हैं, बड़ा टेबल भी बना सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। द साइज ऑफ टेबल इज लिमिटेड टू ओनली बाय द अमाउंट ऑफ द पेज स्पेस दैट कैन बी डिवोट। अब इसके ऊपर कर सकते हैं, इसके बाहर नहीं जा सकते। खैर ये तो जनरल बात है कि हम उसके ऊपर ही चाहेंगे। टेबल्स आर ऑल्सो यूजफुल टू अरेंजिंग इमेजेस एंड टेक्स्ट ऑन ए पेज। यू कैन इंटेलिजेंटली यूज टेबल्स टू क्रिएट कस्टमाइज पेज। अब देखें, हमें पिक्चर भी लगानी है, हम पिक्चर यहाँ लगा लेते हैं, टेबल को यहाँ ला सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। यहाँ टेक्स्ट, यहाँ पिक्चर, यहाँ टेबल, ये आप सेट कर सकते हैं। अब टेबल कैसे बनाया जाता है, मैंने आपको बता दिया है। बहुत आसान सी ऑप्शन है कि आपको ऑप्शन विंडो मिलेगी जिस पे पेज का कॉलम का साइज दिया गया होगा, और कॉलम और आपके दूसरी ऑप्शन क्या के साथ होगी, रोज। कॉलम और रोज दोनों बताई गई होंगी। आप नंबर्स दे दीजिए, नंबर चेंज कर दीजिए, ये 3/2 कर दीजिए, कॉलम और रोज सामने आ जाएगी। जितनी आपने क्या होगा उतनी कॉलम और रो का टेबल बन के सामने आ जाएगा। इसको पढ़ लेते हैं। देर आर मल्टीपल वेज टू क्रिएट टेबल। द इजिएस्ट वे इज़ वन टू क्रिएट फ्रॉम द मेन्यू बार, सेलेक्ट टेबल, सेलेक्ट इंसर्ट टेबल फ्रॉम द मेन्यू बार, सेलेक्ट द नंबर ऑफ द रोज एंड द कॉलम, जो मैंने आपको बताया है नंबर रोज को सेलेक्ट कीजिए और इसको ओके कीजिए, आपका टेबल बन के सामने आ जाएगा। उसके अंदर क्या क्या और ऑप्शन हो सकती हैं, फिक्स कॉलम विथ, आप चेंज नहीं करना चाहते तो ऑटो पे ऑन कर दीजिए तो कॉलम विथ खुद ही सेट कर देगा वो। ऑटो फिट टू कंटेंट्स के जो वर्ड्स है उसके मुताबिक सेट हो जाए, आप लिखते रहेंगे खुद ब खुद वर्ड सेट हो जाएंगे आपके कॉलम के अंदर, छोटे बड़े जो आप बड़ा लिखेंगे तो कॉलम भी आपका बड़ा होता जाएगा। ऑटो फिट टू विंडो, विंडो के लिहाज से, कॉलम के लिहाज से, कंटेंट्स के लिहाज से, ये सब तीन दो ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है ये बॉक्स। इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम, वंस द टेबल इज क्रिएटेड एडिशनल रोज एंड कॉलम। अगली और भी आप मिसाल आपने टेबल बना लिया लेकिन आपको याद आया कि मुझे तो और बनाना है, आप यहाँ पर लास्ट कॉलम के ऊपर आके इंसर्ट कर लीजिए, इंसर्ट का बटन दबाइए। यहाँ पर रख के आपसे पूछेगा कि राइट साइड में जाना टेबल बनाना चाहते हैं या लेफ्ट साइड में, इसके नीचे बनाना चाहते हैं लाइन या राइट, तो आप कहेंगे इसके राइट में बनाना चाहते हो, वो एक और नई लाइन, एक और नया टेबल क्रिएट, एक और आपको कॉलम क्रिएट हो जाएगा। अगर आप यहाँ नीचे बनाना चाहते हैं तो एस के ऊपर रख के दबाइए, इंसर्ट दबाइए, तो एक और नई लाइन जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो आप नई लाइन्स भी ऐड कर सकते हैं, नए कॉलम भी, नए रोज भी, दोनों आप ऐड कर सकते हैं जी। ये दिखाया गया इसके अंदर, वंस द टेबल इज क्रिएटेड एडिशनल रोज एंड कॉलम्स कैन बी इंक्रीज ऑन इट, प्लेस द कर्सर टू रो और कॉलम यू वांट टू एडजस्ट। जहाँ आपने बढ़ाना है वहाँ रखिए और इसको कर दीजिए। ये मैंने सारा जो बताया है वो यही यहाँ लिखा हुआ है, टेबल इंसर्ट रो, अबव रो, बिलो रो, राइट कॉल लेफ्ट, कॉलम टू द राइट, कॉलम टू द लेफ्ट, दोनों जगह पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। सॉरी। आगे है मूविंग एंड रीसाइजिंग ए टेबल। आप उसको मूव भी कर सकते हैं टेबल को, दाएं में ले जा सकते हैं पूरा टेबल उठा के, राइट लें, लेफ्ट ले जाएं, रीसाइज करें, ये सारा कर सकते हैं। ए फोर साइडेड मूविंग एरो एंड ओपन बॉक्स रिसाइजिंग हैंडल विल अपीयर इन द ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल इफ द माउस इज प्लेस ओवर द टेबल। एक साइज शेप सी बनती है, डिफरेंट सी, या कोई इस तरह की शेप बन जाती है, अभी समझ लें, इस तरह की, कभी इस तरह की भी होती है, ये इस तरह की शेप बनेगी जिससे पूरा उससे पूरा पूरा उस कॉर्नर पर लेकर जाकर उसे पूरा मूव कर सकते हैं आप। एक डिफरेंट सी शेप बनेगी जो उसे बताई है, ए फोर साइडेड मूविंग एरो, यानी इस तरह का होता है बेसिकली, फोर साइडेड मूविंग एरो, ये ऐसे इस तरह की शेप बने जो आपको मूव कराने, जब बन जाए तो आप से उठाए दबाइए और उठा के ले जाइए। रिसाइजिंग हैंडल विल अपियर ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल इफ द माउस इज प्लेस ओवर द टेबल, क्लिक एंड ड्रैग द फोर हैंड एंडेड एरो टू मूव द टेबल, टू रिलीज द बटन वहीं स्टॉप हो जाएगा, मूव करेंगे चलता रहेगा। वेयर यू वॉन्ट टू मूव इट,
click and drag the open box, handle to resize the table, changing the column width, arrow and row heights by clicking the cell dividers and dragging them with the mouse. ये ऑप्शन भी दिखाई गई है, मूव हैंडल के बटन दिखाया गया है. अब मूव हैंडल का, रिसाइज हैंडल का, दोनों काम इससे पास है. रिसाइज का राइट साइड में दिखाया गया हुआ है जो इस साइज इस शेप का होता है, ये रिसाइज वाला है और ये मूव करने वाला है. इसे कहते हैं मूव हैंडल, ये रिसाइज और ये मूव हैंडल है, ये मूव करने के लिए और वो रिसाइज करने के लिए. ये मूव हैंडल, ये रिसाइज. Moreover, borders and shades can also be applied to the. अब आपकी मर्जी है, आप इस पर शेड लगाइए, इस पर इफेक्ट लगाइए, आप बॉर्डर पे चले जाएं, इसकी लाइनों को मोटा कीजिए, पतला कीजिए, इसको खूबसूरत बनाइए, इसमें कलर भरिए, सारे काम आप कर सकते हैं. ये आपको मिलेंगे ऑप्शन, ये इंशाल्लाह इसके अंदर भी थोड़ी सी बात शायद आगे आएगी, हम इस पर करेंगे कि कलर कैसे इसमें भरना है, इसको खूबसूरत कैसे बनाना है, शेड देने हैं, पहला कॉलम कलरफुल होगा, दूसरा और कलर का होगा, तीसरा हर कलर डिफरेंट भी कर सकते हैं और ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं. ये था जी हमारा आज का इंसर्ट टेबल, उम्मीद आपको समझ आया होगा और बहुत इंटरेस्टेड सा है, आसान भी है. आप इसे एक दफ़ा इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको करना भी आ जाएगा इंशाल्लाह और एग्ज़ाम के लिहाज से भी इसकी तैयारी कीजिएगा. हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम.